shout out to this channel. Link in description, check out guys. Hayaza 1v3 clutch against powerhouse. IND जो है इस बात से काफी ज्यादा खुश होगी. DE एक ऐसी टीम रहती है जो उनको वहां पे चैलेंज करती है. बट कमिंग बैक टू चैलेंजेस, यहां पे पावर हाउस चैलेंज होती हुई बाय एलिमेंट्रिक्स. आइकॉनिक को नॉक डाउन किया था बट बाकी के प्लेयर्स फाइट लेने की कोशिश करते हैं. मिस्टर यूजू जो है अग्रेस करेंगे अपनी टीम के लिए. नोवा किंग को भी वहां पे नॉक डाउन कर दिया गया. नोवा किंग कहीं और ही एम कर रहे थे बट अब दो प्लेयर्स बचे. आइकॉनिक को बिल्कुल स्टोन के पीछे ही रख दिया जा रहा है. मिस्टर यूजू बहुत अप क्लोज एंड पर्सनल थे. एंड अनदर नॉक कमिंग इन एज ज़ेब्रा गोस डाउन. डार्क इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर टीम पावरहाउस. हमने पावरहाउस की बात थोड़ी देर पहले ही करी थी बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एलिमेंट्रिक्स इतनी जल्दी इनको इस गेम से बाहर धकेल देगी. एलिमेंट्रिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपने लिए किल्स निकाल रहे हैं. मिस्टर यूजू भी ऑलरेडी डोमिनेशन में आ चुके हैं. तीन किल्स उनके. चियांग मायरा वाइपिंग आउट यूएमई. लेकिन ऊपर जाते हुए जानमार के प्लेयर्स दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड दैट इज प्लेयर्स वीरू. वहां पर डाउन जाएंगे टीम एक्सट्रीम के द्वारा एंड आई थिंक नाउ दिस इज गोना बी जानमारस टाइम. और के वैम्पायर भी डाउन जाएंगे टीम एक्सट्रीम के द्वारा एंड भीष्मा नीचे गिरते हुए बाय एवरी यू नो स्टेप बाय स्टेप. एंड सीर भी वहां पर आए इसके मशीन को लेकर जाते हैं. नीचे एक मॉली किया गया. मॉली के अंदर प्लेयर्स जा चुके आप देख सकते हैं. प्लेयर्स को थोड़ी सी आग लग चुकी है. सो मुश्किलें पड़ चुकी हैं लोअर एरिया एंड अपर एरिया के बीच की फाइट. एंड भीष्मा के पास एक एसएमजी उजी का इस्तेमाल करेंगे. 420 ओपी के ऊपर ग्रेनेड आया था एंड 420 ओपी को वापस से एक रिवाइवल की जरूरत होगी. उनका थर्ड सेकंड नॉक हो सकता है. ऑब्वियसली फर्स्ट नॉक तो नहीं है तो ऑब्वियसली हेल्थ कंपैरेटिवली ज्यादा जाने वाली है. एंड यूजी का डैमेज दे रहे थे बट अब उनको भी डाउन किया जाएगा. टेस्ट्रो बचे हैं अकेले. क्या वो रिवाइव देंगे या फिर उनको मूवमेंट देना पड़ेगा. दिक्कत में आ सकते हैं टेस्ट्रो बट दिस गाय हैज सम पोटेंशियल. लेकिन सामने जानमार का स्क्वाड जब एंग्री होगा तो उनको हराना मुश्किल रहने वाला है. एंड वही चीज जानमार ने प्रूव कर दी. डेफिनेटली हाइप वर्सेस चियांग मायरा की लिस्ट में वो थोड़ा इनको मुश्किल में डाल सकते हैं बट हाइप वर्सेस जेएन मारा यहाँ पे होता हुआ. सोनीम की तरफ से एक नेट गया था. थोड़ा सा डैमेज दिया दो प्लेयर्स को बट नॉक यहाँ पे इनको एक भी नहीं मिलेगा. प्लेयर्स को स्मोक के पीछे से थोड़ा बहुत ये स्पॉट आउट कर चुके हैं. और एक मोलोटॉफ जो गया था हट के अंदर वहां से ये प्लेयर्स को फ्लश आउट करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट परफेक्टली लैंड हुआ था. गुरखा को आग लगा दी गई थी ड्रॉपिंग हिम डाउन टू 20 HP जिसकी वजह से जेएन मारा को इस एंगेजमेंट में थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है अगर ये अभी एंगेज करते हैं तो. बट गुरखा जो थे वो हील अप कर चुके हैं और अब ये एक इवन 4v4 सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है. गनर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो इस फाइट में काफ़ी यूटिलिटी एक एडवांटेज अपने आप को अपनी टीम को प्रोवाइड कर सकते हैं. जानवर के एक्सट्रीम यहाँ पे अपने आप को बेट की तरह यूज़ करते हुए सो दैट कि पीछे के जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे क्लोज इन कर सके थोड़ा सा. बट गनर वहाँ पे नहीं हिलने चाहिए. सोनिम को यहाँ पे चार्ज लेना पड़ेगा एंड टचाला को भी एंड उसी के साथ यहाँ पे जिस चीज़ में बात कर रहा था बेट यहाँ पे यूज़ करा एक्सट्रीम ने एंड यहाँ पे गनर ने उस चीज़ का कैपिटलाइजेशन निकाला. एंड यहाँ पे अब होगा क्लोज एनकाउंटर. गनर जहाँ पे एक अच्छा फ्री फायर यहाँ पे देखने को मिला एडीएस के साथ बट सामने से भी अच्छा खासा करारा जवाब आता बट चालों को भी वहाँ पे नॉक डाउन कर दिया गया. फिनिश भी कर दिया वेनम ने एंड एक ही बारी में दो प्लेयर नॉक डाउन कर दिया. बट यहाँ पे ऊपर वेनम जाएंगे. यहाँ पे स्प्रे रुका इसलिए बिकॉज रीलोड में गए थे. सोनिम देखते हैं ये वाली फाइट किस तरीके से अपने नाम करेंगे बिकॉज गनर वहाँ पे अभी भी रिवाइव हो सकते हैं. यहाँ पे सामने प्रोटोटाइप को फिनिश कर सकते थे वो बट एक ये फेयर फाइट जो हम बोलते हैं जो एक उनके सामने एक पॉइंट जो ओवरऑल स्टैंडिंग में अपने नाम कर सकते हैं वो उन्होंने यहाँ पे गिव अप करा. बट अभी देखते हैं यहाँ पे ये फाइट वेनम को यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉक डाउन करते करते रह गए थे. 1 HP है वो एंड एक्सट्रीम मेरी ख्याल से वाली फाइट अपने नाम करेंगे. वेनम वहाँ पे अपने आप को हील करेंगे बट एक पुश यहाँ पे एक डेस्परेट पुश यहाँ पे चाहेंगे कि लेना. बट यहाँ पे स्टॉनिंग को वापस से नॉक डाउन कर दिया गया. यहाँ पे वापस फिनिश कर दिया गया जो सामने से जान मारा के प्लेयर ने नहीं करा था. वेनम यहाँ पे क्लच करते हुए अपनी टीम के लिए 1v3 क्या था क्या वो आई थिंक 1v4 था वो पूरा सिचुएशन. एक प्लेयर पहले ही नॉकडाउन हो गए थे बट उसके बाद वेनम ने आके काफ़ी सारे प्लेयर्स को बाहर निकाला. बहुत क्योटिक सिनेरियो था. तो आई गेस जब हमारे पास रीप्ले आएगा तब हम दोबारा से नजर डालेंगे कि आखिर वेनम ने कितने प्लेयर्स को बाहर निकाला और उनकी पूरी की हाइप वर्सेस चियांग मायरा. एंड रॉक्स सामने स्पॉट हुए थे सोल मॉडल को बट वहाँ पे वो नॉक नहीं निकाल रहा. बट नीकू को यहाँ पे जरूर यहाँ पे फिनिश करा. डेमन को भी पूरा फिनिश करा विद दैट कार ब्लास्ट एंड यहाँ पे डोमिनेशन में आते हुए. बट हाइप का स्क्वाड गुरखा वाइटी ने यहाँ पे काजी को भी नॉक डाउन कर दिया. टीम
एक्सट्रीम के यहाँ पे उत्सर्ग मेरे ख्याल से आखिरी प्लेयर ऐसे जो नजर आएंगे एंड वो भी 1 HP पुश करते हुए इसके 49 देखते हैं राइट साइड से क्या खेल अपने नाम कर पाएंगे। गोरखा व्हाइट एक जंप शॉट लेने की कोशिश करेंगे, हील यहाँ पे है कि नहीं एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। इंजेक्शन का एक जो वहां पे एक साउंड रहता है वहां पे गोरखा व्हाइट को मिला होता तो शायद वो पुश कर सकते हैं उनके, बट गोरखा व्हाइट अभी भी वो सवालों के साथ जूझ रहे कि कहां पे गया आखिरी प्लेयर, बट सामने ही नजर आ रहे हैं। गोरखा ने वहां पे एक मोलोटोव डालने की कोशिश करी बट एक जंप शॉट इजी यहां पे एक किल अपने नाम कर सकते हैं, उनको पता नहीं कि वो 1 HP है बट एक जंप शॉट यहां से स्पॉट कर लिया उन्होंने। यस देयर कैन सी अब इजी किल पीक एंड वहां पे एक चीकी किल निकाला। काफी देर तक सामने वाले जो प्लेयर थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब आखिर जो हमारे प्लेयर है टीम एक्सट्रीम के वो किस साइड गए। डेड आईज गाइस वर्सेस फनेटिक लेजेंडरी फाइट Can this be a third party or maybe fourth party situation? Because हमेशा यहाँ पे देखने को मिला। Yes, वहाँ पे एक opening निकाल दिया scout ने with the knock on Wardu sir। अब यहाँ पे क्या closing होता नजर आ रहा है? Because team Fnatic का एक बार बहुत ज़्यादा पीछे रोनक को यहाँ पे टैग पड़ता हुआ, क्या knockdown होंगे? But नहीं, he barely survived। Prone अच्छा खासा देखने को मिला, एक अच्छा reflex था वहाँ पे। Always यहाँ पे charge in करने की कोशिश करेंगे। एक player जो knock करा था अभी तक kill confirmation नहीं देखने को मिला। But Lazy sir अपनी van के साथ आगे गए, Always ने उन्हें spot जरूर करा but knock के लॉक में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। बट यस यहाँ पे 1 HP बचे वैन पे पीछे, बट ये स्काउट ने एक और नॉक निकाला इस वाली फाइट में। अब यहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए और प्लेयर्स यहाँ पे अगर क्लोज इन करे ओवेस वहाँ पे ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है उनके लिए, लेफ्ट हैंड साइड में है पीछे रौनक एंड एश यहाँ पे नॉक डाउन होते हुए नजर आएंगे। यस इविल आई का एक करारा चाटा पड़ता हुआ फनाटिक एश के सर पे, बट ये फाइट स्काउट के लिए भी है बिकॉज उनके पास बोल्ट एक्शन भी है, एक जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। ओवेस देखते हैं एक अगर नॉक इन्होंने भी निकाला तो टीम का स्कॉट बहुत ज्यादा दिक्कत में नजर आ जाएगा, बट यहाँ पे कापसी को नॉक डाउन करा स्काउट ने अगेन। ये प्लेयर रुकने नहीं वाला, ये प्लेयर एक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। कार 98 नजर आई है M416 के साथ तीसरा नॉक नजर आया है, एक और अलग फाइट के साथ यहाँ पे इन्होंने एंगेज करा बट ओवेस ने यहाँ पे पैन करके लेजी सर को इस वाले मैच से बाहर करा। फनाटिक काफी बेहतरीन शेप में इस मिरामार के मैप के लिए लग रही है एंड मिरामार ऑब्वियसली काफी ज्यादा बढ़िया डायनामिज्म लेकर आता है जब आप फाइट लेते हैं। स्काउट आगे मूव करते हुए बगी के साथ, ओवेस भी आगे मूव कर चुके हैं, एश भी स्लोली स्टेडली आगे मूव करते हैं। आई गेस अब उनको पता उनके सामने जो टारगेट है उनको फिल करना पड़ेगा, उनको धीरे धीरे आगे मूव करते हैं जस्ट टू हंट डाउन एंड हंटिंग सामने शुरू हो जाएगी। स्काउट ने वहां पर स्पॉट किया, स्काउट को लेकिन नॉक किया जा चुका है शिवू सर के द्वारा। ऑन दी अदर साइड रौनक भी नॉक हो चुके हैं, यहाँ पर दो प्लेयर्स फनाटिक के नॉक हो चुके हैं एंड साथ के साथ फिनिश भी करना चाहेंगे एंड अभी यहाँ पर पंच करके फिनिश किया जाता है यहाँ पर के द्वारा। 522 का 544 का ऑलमोस्ट डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, 550 डैमेज मूव करते हुए ओवेस आगे मूव करते हुए उनको फाइट सारी अपने हाथ में अभी लेनी पड़ेगी। डी शिपुजर भी स्पॉट करना चाहेंगे प्लेयर्स को एंड आगे जाकर ये भी पैन कर रहे हैं अभी के लिए एंड फिनिश करना चाहेंगे, बट यहाँ पे पैन करना मुश्किल पड़ेगा। बट यस इसी चीज की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे पैन करने जरूर गए बट पीछे से ओवेस ने एक करारा जवाब दिया। काश वहां पे दूर से ही अगर नॉक एंड फिनिश करते अपनी गन के द्वारा तो यहाँ पे वो खुद लॉकडाउन ना होते, बट ओवेस इज लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हिज स्क्वाड। बट फनाटिक ने इतने नॉक्स निकाले उसमें सिर्फ एक ही ऐसा किल है जो कन्फर्म हुआ है। रिवाइवल मिल रहा है वहां पे, मॉन्ग सर रिवाइव दे रहे हैं शिफू सर को, जोन का डैमेज हालांकि पड़ेगा बट ओवेस वॉन्ट टू मेक श्योर बिकॉज ये जो फाइट है ये अब ईगो वाली फाइट आ चुके हैं जहां पे पैन से फिनिश करेगा था स्टार्टिंग में उसका फिर से फिनिश करा गया एंड यहां पे वापस से ओवेस ने एक और यहां पे नॉकडाउन निकाल दिया। क्या एकेएम का यहां पे थोड़ा सा असिस्ट लेना चाहेंगे बिकॉज़ M4 और 6x यहां पे इस रेंज में डैमेज भले ही देगी बट एकेएम थोड़ी सी बेटर गन है इस वाली रेंज में एंड देखते हैं यहां पे वोंग सर के पीछे एक अगर ग्रेनेड यहां पे होते तो उस ट्री का कवर छोड़ के बाहर निकलेंगे। एक बेट यहां पे करना चाहेंगे ओवेस बट देख यस इस ग्रेनेड की मैं बात कर रहा था, अगर ट्री के पीछे अगर वो फुल कुक करके ग्रेनेड फेंकेंगे मॉन्ग सर यहाँ पे पूरे फिनिश हो जाएंगे। बट एक जो गलती वहां पे करी वो पैन करने के लिए गए, वो फिस्ट करने के लिए गए, उसी के चलते यहाँ पे डी का स्क्वाड ये भुगतान अपने ऊपर ले रहे हैं। यहाँ पे ओवेस यहाँ पे फॉल बैक कर सकते हैं बिकॉज ये अब फाइट ईगो की नहीं आती बिकॉज यहाँ पे पोजिशन पॉइंट्स की भी आती है, बट एक क्या पॉइंट यहाँ पे लेने के लिए जाना चाहिए इन्हें? आई थिंक अभी के लिए सर्कल में जाने एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि आप अपनी टीम को थोड़ा और आगे तक लेकर जा सके। अगर यहाँ पर फोर्थ सर्कल आएगा फोर्थ सर्कल का डैमेज थोड़ा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड अब स्पॉट किए जा सकते हैं। जी के मॉन्ग सर आ चुके ओपन एरिया में एंड वो पीछे की तरफ को मूव करते हैं, ओवेस के पास एक अच्छा खासा किल लेने का चांस यहाँ पर हो सकता है, एक हायर एरिया भी ओवेस के पास है लेकिन सर्कल का डैमेज भी ज्यादा से ज्यादा पड़ता है। यही चीज की हम बात कर रहे हैं, सर्कल का डैमेज पड़ता रहेगा इवेंचुअली एंड सर्कल के अगेंस्ट जाना थोड़ा मुश्किल कर सकता है। बैंडेज का रेगुलर एप्लीकेशन करते हुए मॉन्ग सर एंड ये ग्रेनेड क्या
क्या आगे तरफ को गया है, ग्रेनेड थोड़ा सा यस आगे की डायरेक्शन में गया था, लेकिन अब बैंडेजेस का ही पूरा का पूरा खेल आ जाता है दोनों के दोनों प्लेयर्स के बीच में। जो प्लेयर यहाँ पर बचा को ओवेस की हेल्थ कम है ऑलरेडी एंड मॉन्क्सर की हेल्थ थोड़ी सी ज्यादा है एंड बैंडेजेस 7-0 मॉन्क्सर के पास, अब कुछ नहीं बचता इस फाइट के लिए। बट ये वाली फाइट ओवेस अपने नाम लेके जा सकते हैं, यस उन्होंने अपनी फर्स्ट एड पॉपिंग के लिए, बट सामने से गन थी उनके हाथ में, ओवेस गॉट नॉक्ड आउट ऑफ दिस मैच, कम ऑन। ये डी मॉन्क्सर यहाँ पे फर्स्ट एड उनको पॉप करनी है, बट यहाँ पे आपको किल फिट वापस नजर आएंगे डी मॉन्क्सर, एक किल हालांकि अपने नाम लेके गए। Elementrix wiping out godlike फाइट्स लेने के लिए उनके उन फाइट स्टार्ट करना चाहते हैं एंड आई गेस अब स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्रिक्स का स्क्वाड वो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं एलिमेंट्रिक्स उनके काफी ज्यादा करीब है एंड अब एक अर्ली एंगेजमेंट, एक इजी एंगेजमेंट हो सकते हैं। ग्रेनेड्स यहां पर जाते हुए थ्रो किए गए थे ऑन टॉप, वहां पर गॉडल के स्मोकी को पिक ऑफ कर चुके हैं, स्मोकी को रिवाइव चाहिए होगा कुछ भी करके एंड गॉडल के बाकी प्लेयर्स तैयार रहेंगे अपनी फाइट्स के साथ, तैयार रहना पड़ेगा और अब टीममेट को भी रेफ देने का प्रेशर होगा गॉडलाइक के प्लेयर्स के ऊपर। ऑन टॉप की जैसे हम बात करते हैं, पत्थर के ऊपर चढ़ के पीछे से गोलियां चला रहे थे गिलब्रिक्स, इस फाइट को इस चार्ज इन गो फ्रॉम टीम गॉडलाइक टर्न अराउंड करती है अपने फेवर में, गिल को वहां पे फिनिश ऑफ किया जाएगा विद अ मोलोटोव, बट स्मोक के अंदर आई थिंक रिवाइव दिया जा रहा है गॉडलाइक के जो प्लेयर थे स्मोकी उनको, और हाँ रिवाइव हो चुके अपने कदमों पर खड़े हैं, हील करके अब कोशिश करेंगे कि जो इनके फॉलन टीममेट है उनको किसी तरह से अवेंज कर पाए, बट मुश्किल होने वाला है क्योंकि 3-4 की सिचुएशन होगी, प्लस ऑन टॉप वो जितना पीछे छोड़ा गया वो ओपन एरियाज में अपनी टीम को एक बहुत अच्छा कवर फायर प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके बाद अब यही चीज आती है, अब आप देखिए सर्कल धीरे धीरे क्लोज इन हो रहा है एंड यही चीज की हम बात कर रहे हैं, अब जैसे ही सर्कल आएगा जो टीम सर्कल के बाहर रह जाएंगी बाद में उनको अर्ली रोटेट देना पड़ेगा किसी भी तरीके से, लेकिन ऑन टॉप को अगर आप देखिए पीछे जा चुके एलिमेंट्रिक्स के, ऑन टॉप पीछे हैं एंड एलिमेंट्रिक्स ने गॉडल को घेर लिया, एग्जिस्टेंस पहली कैजुअलिटी जाते हैं, स्मोकी यहां पर बचे हुए, ये चीज काफी बेहतरीन तरीके से निकाली एंड अब 15 पोजीशन पर एलिमिनेट होती गॉडलाइक, बट स्टिल दे आर सेफ और एलिमेंट्रिक्स को काफी बेहतरीन 4 किल्स मिलते, तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी एलिमेंट्रिक्स की। ऑन टॉप पीछे की तरफ हो गए, वहां से एक तरीके से उन्होंने सप्रेस करने का ट्राई किया, बट आगे से जो प्लेयर्स आ रहे थे उन्होंने गॉडल को एलिमेंट्रिक्स वाइपिंग आउट डेड आईज गाइस स्टार्ट कर देती है, बट आई गेस एलिमेंट्रिक्स बोलती है कि केओस अभी क्यों नहीं, डेड आईज के ऊपर एक नेट फेंका जाएगा यहाँ पे ऑरेंज की तरफ से, बट उतना डैमेज नहीं दिया गया जितना वो देना चाहते थे और डेड आईज के प्लेयर्स के पास एक डिसएडवांटेज ये रहेगा क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी एलिमेंट्रिक्स का एक प्लेयर जो है वो फ्लैंक पे रहता है, पिछली बार ऑन टॉप थे इस बार है मिस्टर यूजू और एक नेट के साथ ऑरेंज यहाँ पे एक नॉक निकालते हैं डेड आईज की तरफ, शिफू सर को नॉक किया गया, मिस्टर यूजू हल्का सा आगे मूव इन हुए थे बट अभी फ्लैंक से अगर जाके एक और नॉक निकाले तो बाकी के 3 प्लेयर एलिमेंट्रिक्स से चढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑन टॉप भी अपने आईजीएल के साथ मूव इन करते हुए दूसरी डायरेक्शन से पर ऑन टॉप नॉक हो जाएंगे, मिस्टर योजू वहां से आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक एक जो किल था वो उन्होंने कंफर्म किया था, 2 प्लेयर्स नॉक हो जाएंगे यहां पे डी के और लास्ट में जब लेजी सर को पिक ऑफ किया जाएगा दैट्स गोना बी द एंड फॉर डेड आईज गाइस एंड आई थिंक उनकी जो जर्नी है हमारे पीएमपीएल साउथ एशिया में दैट वाज इट। We'll be right back.